आज हम लोग सॉल्व करेंगे एट्थ क्लास का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी देन हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि 75% मनी खर्च कर देने के बाद अगर चमेली के पास ₹600 बचते हैं तो बताइए स्टार्टिंग में चमेली के पास कितना अमाउंट था, यानी कि हम लोगों को निकालना है कि स्टार्टिंग में चमेली के पास कितना पैसा था। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया, लेट शी हैड रुपीज एक्स इन द बिगनिंग। मान लिया कि स्टार्टिंग में चमेली के पास कितना पैसा था, एक्स रुपीज थे। अब हम लोगों को बोला है कि उसने इस रुपए का कितना परसेंट खर्च कर दिया है, 75% इस पूरी मनी का खर्च कर दिया है, करेक्ट है। सो नाउ शी स्पेंट इन परसेंटेज, ये खर्चा जो दिखा रखा है वो किस में, परसेंटेज में है ना। तो शी स्पेंड यानी कि उसने खर्चा कर दिया कितना, 75%। और टोटल अमाउंट क्या था, देखिए रुपीस में तो एक्स था, और इसी टोटल अमाउंट को यानी कि कंप्लीट को या होल को जब हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना परसेंट होता है, 100%। और इस 100% का उसने 75% खर्चा कर दिया है, इसका मतलब अब उसके पास कितना अमाउंट बचा है परसेंटेज में, के लिए क्या करें, इस 100 में से इस 75% को माइनस कर दें, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देयरफॉर शी लेफ्ट विद यानी कि अब उसके पास कितना अमाउंट बचा है, लेकिन किस में, परसेंटेज में। तो देखिए टोटल कितना परसेंटेज था, 100% था, जिसमें से 75% उसने खर्चा कर दिया। तो इसके लिए कितना बचा, के लिए क्या करें, 100 में से 75% को माइनस कर दें। तो 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25%। तो अब उसके पास जो बचा हुआ अमाउंट है अगर उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो वो कितना होगा, 25% होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही अमाउंट किसके इक्वल है, 600 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है ना। सो अब हम लोग लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ टोटल मनी यानी कि x। तो 25% किसका, x का, किसके इक्वल होगा, इस बचे हुए अमाउंट के बराबर होगा, क्योंकि 25% बचा हुआ है ना, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 600। अब करो इसको सिंप्लीफाई, 25 एज इट इज लिखा, परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेंगे, अपॉन 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और x एज इट इज लिखिए, एंड दिस इक्वल टू 600, राइट। 25 से कैंसिल करो वन टाइम, और 25 से होगा फोर टाइम्स, मतलब x अपॉन 4 इक्वल टू कितना आया, 600। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को कर दें ट्रांसपोज, देयरफॉर x इक्वल टू, देखो 600 तो अपने प्लेस पर है, 4 क्या कर रहा था, x को डिवाइड कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। तो 600 इंटू 4 कितना हो गया, 2400 रुपीज़, राइट। और यही क्या है, स्टार्टिंग में जो चमेली के पास अमाउंट था वही है, यही निकालना था ना हम लोगों को कि चमेली के पास कितना अमाउंट था बिगनिंग में। तो चमेली के पास 2400 रुपीज़ थे बिगनिंग में, राइट। तो ये बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चन के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।